नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रघुमन एस्ट्रोसेस टीवी पर आपका स्वागत करता हूं। मैं बात करने जा रहा हूं वर्ष 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों की। मानिए नहीं मानिए, भारत के इतिहास के 2019 का लोकसभा चुनाव सबसे बड़ा चुनाव होगा। ना इसके बाद इतना बड़ा चुनाव लड़ा जाएगा और ना ही आज तक लड़ा गया है। ना सिर्फ टीवी बल्कि अखबार, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ भी लोगों को मिल रहा है वो अपनी प्रतिक्रिया देख रहे हैं। हलचल हो रही है, हम लोग को दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके कार्यकाल में अनेकों जनहितैषी निर्णय लिए गए और ऐसा विपक्ष ने कहा कि उससे जो जनता है वो बहुत परेशान हुई। नोटबंदी एक बहुत चर्चित कदम रहा, जिसको लेकर आज भी चर्चा है कि वो अच्छा था कि खराब था। निःशुल्क गैस का वितरण भी एक अच्छा और बुरा निर्णय माना जा रहा है। मेरा निजी रूप से किसी दल से कोई लेना देना नहीं है। ज्योतिषी होने के नाते मैं किसी ऐसे सज्जन को ढूंढ रहा था जो जानने के लिए उत्सुक हो कि मोदी जी पुनः भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं। तो एक मेरे मित्र बॉम्बे में रहते हैं, उन्होंने एक दिन मुझसे ऐसे पूछ लिया कि आपको क्या लगता है। तो मैंने कहा कि आप मुझे 1 से 249 के बीच में एक नंबर बताइए। उन्होंने मुझे 19 नंबर दिया और ये इस नंबर की कुंडली है। वर्ष 2019 का जो चुनाव है उसको सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व का मीडिया देख रहा है और सारे देश ये देख रहे हैं कि परिणाम क्या होगा। क्योंकि वर्ष 2019 में जो परिणाम आएगा भारत का भविष्य उस पर बहुत सालों के लिए निर्भर करेगा। कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी, अगर छठे दशम अथवा लाभ का कार्यश है तो व्यक्ति के पक्ष में परिणाम आएगा अथवा विपक्ष में आएगा। इस कुंडली में छठे भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी है शनि है। शनि दशम और लाभ का स्वामी है और वो केतु के नक्षत्र में है। अष्टम में शनि बैठा है, ये अच्छा नहीं है, किंतु हमको ये देखना होगा कि अष्टम का शनि किस ग्रह के नक्षत्र में है। शनि प्रश्न के समय केतु के नक्षत्र में है, तो केतु जिन जिन भाव का कार्यश होगा शनि भी उन भाव का कार्यश होगा। केतु इस कुंडली में सूर्य के नक्षत्र में जो कि छठे घर में है। केतु गुरु की राशि में है जो सप्तम में है। केतु पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। ये मंगल के साथ युति कर रहा है जो कि दशम भाव में है। मंगल 1 और 8 का स्वामी अथवा केतु 1, 6, 7, 8, 10, 11 भाव का कार्यश है। तो हमने देखा कि ये जो केतु है काफ़ी हद तक लाभ देने की स्थिति में है। सप्तम भाव को देखें अर्थात विरोधी को देखें, विरोधी का जो छठे घर का उपनक्षत्र स्वामी है वह गुरु है जो स्वयं ही के नक्षत्र में है और ये 3 और 6 भाव का स्वामी है। यह जो गुरु है विरोधी पक्ष को बहुत ही ताकत दे रहा है, बहुत सबलता दे रहा है। किंतु केपी ज्योतिष में छाया ग्रहों को वास्तविक ग्रहों से अधिक बलशाली माना जाता है। यह लग्न अधिक बलशाली है। दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी मंगल है जो कि दशम में स्थित होकर चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा सप्तम में है। चंद्रमा विरोधी का दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी है जो कि बुध के नक्षत्र में विरोधी के द्वादश भाव में है। बुध की दशा 21 अगस्त 2019 तक रहेगी और इसके पहले चुनाव होंगे। तो इस कुंडली के हिसाब से जो फलादेश है वो स्पष्ट रूप से ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी पुनः जीत के आएंगे। और कितनी सीटें होंगी क्या होंगी उसका तो आकलन मैंने नहीं करा है, लेकिन इस बात की संभावना अत्यधिक है। अर्थात मेरा जो फलादेश है वो ये कहता है कि नरेंद्र मोदी फिर से भारत के प्रधानमंत्री होंगे। सभी दलों को, सभी दलों के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश में एक अच्छा लोकतंत्र होना चाहिए और देश में एक अच्छी सरकार होनी चाहिए। सभी लोग ऐसा चाहते हैं, सभी लोग ऐसा चाहने के लिए मतदान भी करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विचार आप जरूर दीजिए, आपको क्या लगता है कि कोई किस दल की सरकार बनेगी, हमारे कमेंट्स में जरूर लिखते जाइए। और नमस्कार।